सो हे अरविंद, कैसे हो आप सब? सो मेरा नाम अमित, और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट मेजरली एमएचटी सीटी के पर्सपेक्टिव से बात कर रही है भाई, कि एमएचटी सीटी में कैसा केमिस्ट्री आता है वो सबके बारे में। देखो, पहली चीज़ तो एक क्लियर कर देता हूँ भाई, अगर आपको आपकी जेई अच्छी गई है, ठीक है, जेई में आपने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन की है, तो एमएचटी सीटी में ज़्यादा समझ लो, मतलब ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट हो गया, डन हो गया। और नहीं की तो उसके बारे में बात करने वाले, सब जितने कैसे करना चाहिए सब कुछ बात करें, ठीक है, आखिर कैंप कैसे पढ़ना सब बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टिप नंबर वन भाई, के केमिस्ट्री सब्जेक्ट क्या है उसका मतलब, अभी तक के एम एच की सीखी में कि आपको है ना कॉन्सेप्ट नहीं देखते, मतलब उन लोग ज़्यादातर थियरी पूछते हैं, मतलब रट्टाबाजी में समझ लो, मतलब कि कैश बुक कोई भी लाइन उठा दी, जैसे एनसीआर की में थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर अगर आप एम एच की सीखी की बात करें तो उसमें मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं वो थियरी बेस्ड आते हैं, मतलब लाइन लाइन उठा उठा के सीधा आपको डाल देंगे, मतलब भाई ये क्वेश्चन एक लाइन दिया है, मतलब और इसका आपको आंसर बताना, सीधा स्टेटमेंट पूछेगा, ठीक है, और नॉर्मल चीज़ तो वो आपको फिर पता होना चाहिए। और वो कैसे बताओगे, देखो जब भी अगर आपने टेक्स्ट बुक रीड की होगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की केमिस्ट्री, तो आपको वो गारंटी सॉल्व होगा, ठीक है। और अभी देखो कैसा होता है, जो एम एच की सी की एग्जाम है वो 11th और 12th बेस्ड है, ठीक है, पर है ना 11th में से जो पोर्शन है वो 20% है, और जो 12th में जो पोर्शन आ रहा है वो मेजर चंक है, 80% आ रहा है वो, समझ रहे हो? तो 80% को आपको ग्रैप करना, ना कि 20% पे। तो अगर आपने 11th नहीं की है, 11th टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है, तो जाने दो, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑलमोस्ट, समझ रहे हो? 50 मार्क्स से मतलब खाली वो आएगा 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, 20% ना, हाँ बरो 10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा फायदा मेरे को, 10 क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, क्योंकि अगर 80 80 क्वेश्चन को दे दिए टाइम तो समझ लो, तो आपको 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन में तो मतलब आपको 12th की टेक्स्ट बुक रिफर करनी है, बस 12th की आपने पढ़ ली तो आपका मेजरली हो जाएगा, ठीक है, खत्म, साइड हो जाओ, 12th पढ़ना है, समझ लो, टेक्स्ट बुक। अभी पढ़ना कैसे उसकी बात करें कि देखो क्या होता है, अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ दो, ठीक है, तो अभी आप एक बार रीड करोगे ना, तो बार बार उसको रीड करने वाले नहीं हो, और आपको याद रखना हमेशा के लिए, हमेशा के लिए मतलब ऑलमोस्ट जो एग्जाम टाइम है आगे 6 महीने के बाद कोई भी टाइम है, तो वो अब तक आपको याद रखना है, 1 2 महीने के बाद है, तो वो अब तक आपको याद रखना है। तो आप एक दिन पढ़ोगे ना, अगले दिन भूल जाओगे, या फिर 2 3 दिन बाद आप भूल जाओगे, ठीक है, तो आपको याद नहीं रहने वाला है। उसको याद कैसे रखना है भाई, सीधी चीज सीधी बात, नो बकवास, स्नैपशॉट रखना है याद, स्नैपशॉट बनाना है, टेक्स्ट बुक रीड किया, स्नैप रीडिंग भी पहले रीड करना है शांति से, अगर आपने जेई का कर लिया पूरा, ऑलमोस्ट आपको जेई का एग्जाम हो जाएगा, फिर एमएच की सी किया, ठीक है, और मोस्ट ऑफ चंक जो होते हैं, जो जो लोग होते हैं वो जेई देने के बाद ही चालू करते हैं एमएच की सी का प्रिपरेशन, ठीक है। तो अगर आपने अभी समझो आपका जेई हो गया, आपने कैश बुक लिया अभी केमिस्ट्री की, जो भी कैश बुक चालू किया उसको, तो आपको क्या करना है, कैश बुक में आपको चैप्टर पढ़ते पढ़ते, ठीक है, रीड करते करते ऑलमोस्ट आपको समझ में आएगा, ठीक है, अगर आपने जेई का प्रिपरेशन किया, नहीं किया फिर भी समझ जाएगा, अगर आपने थोड़ा भी पढ़ाया तो, 12th पढ़ाया ना तो भी आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या करना है, पूरा अंडरलाइन करना है, पहली चीज़ तो ये करना है, अंडरलाइन किया, फिर वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने जो अंडरलाइन की है, ठीक है, वो ही आपको स्नैपशॉट में लिखना है, उसके साथ फॉर्मूलाज लिखने हैं चैप्टर के, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मतलब कैसे आपको पता चलेगा, मतलब अगर आप रीड करोगे उसको तो आपको पता चलेगा भाई ये पॉइंट में दम, ठीक है, तो वही वैसे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, और वही पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? तो वैसे, और अगर आप उसके बारे में रीड करोगे तो आपका हो जाएगा, बस इतना ही करोगे तो ऑलमोस्ट डन, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फॉर्मूला क्या करना है, आपको थियोरी अच्छे से करना है और फॉर्मूला करना है। अभी फॉर्मूला की बात ले, ठीक है, फॉर्मूला की बात ले, तो फॉर्म देखो जो थियोरी क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन 40 40 क्वेश्चन आने, थियोरी जो 50 मार्क का पेपर है आपको केमिस्ट्री का, ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चन जो है ना वो थियोरी बेस आएगा, और 10 से 15 क्वेश्चन के अप्रोक्स, मतलब 30 से 45 के बात कर रहा हूँ, और 15 9 10 15 क्वेश्चन जो है ये थियोरी बेस आएगा, मतलब फॉर्मूला बेस आएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बेस जो है वो आपको फॉर्मूलाज पढ़ के ऑलमोस्ट डन हो जाएगी, ठीक है, अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से आपको याद है फॉर्मूला क्या है भाई, इस चैप्टर में क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपको डन हो जाएगा, ठीक है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ये फॉर्मूलाज से हो जाएगा जितनी न्यूमेरिकल जो। अभी फॉर्मूलाज जो है वो एक बार में याद नहीं रहेगा, ठीक है, याद रखना, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो जाकर आपको फॉर्मूला होगा, और उसका एप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कहाँ पे अप्लाई करना है उसको, नहीं तो नहीं होने वाला, ठीक है, सीधी सी बात है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, एम एच की सी के, तो आपको एप्लीकेशन आप लगेगा, पर वो कब करना है, वो आपको एग्जाम टाइम पे करना है, कि एग्जाम के मतलब अप्रॉक्स 2 1 महीना है, 2 महीना बाकी रहेगा, 1 महीना ऑलमोस्ट बाकी रहेगा, तभी आपको वो प्रैक्टिस करना है। और उससे पहले क्या करना है, पहले कैश अगर आप कैश बुक रीड कर रहे हो, उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स दिए वो पूरे सॉल्व करना है, अगर आप अपनी चैप्टर पढ़ा, फिर उसके एम सी उसके जो नोट्स बना लिए, फॉर्मूलाज बना लिए, शीट्स बना ली, जो भी बना दिया, फिर आपको पीछे जो कैश बुक के है सॉल्व एग्जाम्पल है सब कैश वो सब आपको प्रैक्टिस करना, ताकि आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, और मेजरली वही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा
कोई धांसू क्वेश्चन नहीं आएगी, ठीक है, मतलब जो ऐसे उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, एमएससी से। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि वो क्या वही क्वेश्चन आए कितनी बार, समझो। तो अगर आपको कोई से क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू हो गया, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है वो, तो फॉर्मूला उसका जो उसका आंसर है वो भी रट्टा मार सकते हो, मतलब थोड़ा बहुत एक दो किलो, ठीक है, सब रट्टा नहीं मारना आएगा, मतलब मुश्किल होगा ऐसे, क्या उस टाइप के आ सकते, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि सब रट्टा मारना, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो वो रट्टा मार सकते, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है, खत्म रट्टा साइड में। अभी चीज़ आती है भाई, स्नैपशॉट बना लिए, ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। अभी एग्जाम में मतलब एक और कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब एग्जाम जो दे रहे हैं उसमें पीसी साथ में होता है कि 90 मिनट्स में आपको पीसी करना होता पूरा, तो कैसे क्या लेना चाहिए, पहले फिजिक्स लेना चाहिए, केमिस्ट्री लेना चाहिए, पहले फिजिक्स करना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए, फिर या फिर केमिस्ट्री करना चाहिए, फिजिक्स करना चाहिए, ठीक है। अभी ये चीज़ आपको पता चलेगी ट्रायल और टेस्ट के बाद, ठीक है, आपको खुद के ऊपर टेस्ट करना, ठीक है। क्या करना है, पहले आपको फिजिक्स लेना, फिर केमिस्ट्री करना, ठीक है, कोई थोड़े 10 5 6 पेपर में, ठीक है, ये कर लिया। फिर आपको देखना मतलब टाइम ऐसे डिवाइड करके, मतलब प्रॉपर कर पा रहा हो कि नहीं कर पा रहा हो, टाइमिंग का बताओ कैसे कितना टाइम देना चाहिए किसी को, तो वैसे करना, ठीक है। और पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, बाद में आपको क्या करना है, स्विच करना, समझो, स्विच करना दोनों को, पहले केमिस्ट्री करना फिर फिजिक्स करना, तो आपको आपको स्कोर देकर पता चलेगा भाई मेरा क्या स्कोर जम रहा है, ठीक है, क्या कैसे स्कोर हो रहा है मेरा, तो उस सब वो ऑलमोस्ट समझ आएगा कि आपको कैसे करना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से मेनली जो प्रीफर करते हैं सब लोग वो होता है केमिस्ट्री पहले फिर फिजिक्स, ठीक है, ये चीज़ आपको करनी चाहिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और अभी टाइमिंग की बात मतलब टाइम कितना देना चाहिए वही बात कर देता, ठीक है। 90 मिनट्स का होता है, आपको 20 मिनट्स, 15 टू 20 मिनट्स में केमिस्ट्री में थियोरी जो क्वेश्चन है वो सब निपटाने, ठीक है, ऑलमोस्ट निपटा देने, और थोड़े इक्का दुक्का बच गए तो वो आखिरी में करने, और न्यूमेरिकल्स नहीं करना है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं, मैं न्यूमेरिकल्स को नहीं बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स, मैं सिर्फ खाली बोल रहा हूँ जो क्या बोलते हैं आपके न्यूमेरिकल थियरी बेस है वो करने हैं बस, पहले पहले, ठीक है, पहले 20 मिनट्स या 15 मिनट्स में जो भी है, 25 मिनट्स, 25 मिनट्स लास्ट के, उससे ज़्यादा नहीं करना, अगर आपको अच्छा स्कोर से 15 20 मिनट में हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, वो थियरी बेस। फिर आपको फिजिक्स में जाना, फिजिक्स करने सॉल्व, फिजिक्स सॉल्व करने के बाद अगर बाद में जो टाइम बचता है फिजिक्स जल्दी जल्दी सॉल्व करना, ठीक है, कम से कम आपको देनी चाहिए 30 टू 40 मिनट्स में आपको ऑलमोस्ट कर देना सॉल्व, ठीक है, तो कितने बचे थे, 40 50 60 मिनट्स हो गए, 30 मिनट्स और बचा आपके पास, तो फिर आपको आना केमिस्ट्री और न्यूमेरिकल्स पे, जितने भी बचे क्वेश्चन थियरी बेस और न्यूमेरिकल्स वो सब सॉल्व करना, फिर आप इस केमिस्ट्री फिजिक्स में जाना, ठीक है, स्विच करना, ऐसे करके आप ऑलमोस्ट हो जाएगा, ठीक है, 15 मिनट देना है केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट, तो आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएगा, ठीक है, जो भी बचोगे 10 या 15 तो हो जाएगा, की बात होगी, हाँ, वैसे करके बात करते हैं भाई, समझो। देखो स्नैपशॉट की बात अपने हमने एग्जाम पेपर की बात कर रही है, कैसे एग्जाम देना है, एग्जाम की बात कर रहे हैं, आपको एक और चीज़ होता था वो रिवीजन कैसे करना है उसकी भी बात कर रहे हैं, कि रिवीजन कैसे वो मेजर एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर आपको आपने याद ही नहीं किया तो थियोरी कैसे सॉल्व करो, ठीक है, याद मतलब आपने रिवाइज ही नहीं किया कुछ, मतलब जो आपने पढ़ा है वही आपने रिवाइज नहीं किया, तो आप एग्जाम में थियोरी कैसे कहाँ से लाओगे सॉल्व करके, मैं कैसे याद रहेगा, मैं कैसे निकलेगा, ठीक है, ऑलमोस्ट यही बात करने वाले। तो देखो क्या करना है, स्नैपशॉट बनाए, ठीक है, उसको रिवाइज करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, पहली चीज़ तो ये। और एक और चीज़ है भाई कि मतलब समझो आप कभी कहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, मतलब ऐसे वॉक कर रहे हो, अकेले वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो मन में रिवाइज करना है, या किसी के साथ वॉक कर रहे बात नहीं कर रहे तो रिवाइज करना, ठीक है, मन में रिवाइज करना, सबके को भी उठाना है मन में, उसके फॉर्मूला सब मन में रिवाइज करना है। अभी देखो थोड़ा टाइम लगेगा ऐसे सब करने में, ठीक है, मतलब ऐसे लग रहा है मतलब कि ऐसे कैसे रिवाइज कर रही है, चलते 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 रिवाइज कैसे कर रही है, तो अगर ऐसे करना मतलब करना पड़ेगा ऐसा, ठीक है, अगर आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्लासेस से आ रहे हो मन में रिवाइज करो, ठीक है, जो जो फॉर्मूला क्लास में क्या क्या सिखाया वो पूरा पूरा मन में लो, ठीक है, मन में रिवाइज करो पूरा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको जो होता है ना मतलब वापस जो गेनिंग वापस जो मतलब आपने जो पढ़ा वो वापस रीगेन करना आपको, ठीक है, तो वो चीज़ आपको मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम टाइम में, कि आपको जल्दी जल्दी रीगेन होगा भाई, उनको क्या 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 जल्दी मतलब रिकैप जल्दी होगा आपको, रिकैप में ये बोल सकते सॉरी, मतलब फटाफट आपको याद आएगा, ठीक है, ऑलमोस्ट ये चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है, ये समझे। अभी देखो एक और चीज़ देखो समझो, ये रिविजन में प्रो टिप है एकदम, मतलब अगर आपने ये अप्लाई कर दिया ना तो आपको मतलब बहुत सारे चैप्टर मतलब बहुत बार नहीं पढ़ने पड़ेगा आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक साथ में आप रिकॉल कर पाओगे, ठीक है, वही चीज़ छोड़ लेकर एग्जाम्पल के साथ बताओ, ठीक है, आपको ये मतलब ये चीज़ समझो कैसे करना, समझो अगर मैं पढ़ रहा हूँ सॉल्वेंस प्रोसेस की, सॉल्वेंस प्रोसेस के लिए किसके लिए होता है, प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा, ठीक है, कपड़े धोने का साबुन, ठीक है, तो उसमें मेजर उसमें यूज़ होता है पहले अमोनिया, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को डालते हैं, फिर उससे बनता है सोडियम बाई कार्बोनिक को फिर सोडियम कार्बोनिक बनाते हैं, सोडियम कार्बोनिक से फिर सॉरी अमोनियम का सॉरी सोडियम नहीं है सॉरी 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 मैं फॉल्ट अमोनियम कार्बोनिक बनाते हैं, अमोनियम कार्बोनिक बनने का जो प्रोसेस होता है वो ठीक है वो होता है, फिर NaCl से ब्राइन सोल्यूशन से रिएक्ट करते हैं, ऑलमोस्ट दिस प्रोसेस होता है। अभी देखो नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन में सब लोग ऐसे याद रखते हैं, ठीक है, ये प्रोसेस है बस खत्म हो गया,
अभी कितने लोग ऐसे होते भाई, अभी कैसे अमोनिया चालू किया ना, अमोनिया मेन प्रोडक्ट है, ठीक है। तो लोग क्या करेगा देखो, कैसे मैं कैसे करता था देखो, मैं बताता हूँ। अमोनिया लिया, ठीक है, अमोनिया के साथ पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसका सॉरी अगला रिएक्शन है। तो मैं ये सोचता था भाई अमोनिया कैसे बनेगा, अमोनिया जो चीज़ है वो कैसे बनेगी, ठीक है, अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो वो मेरे को याद आया भाई हिबर्स प्रोसेस से होगा, तो आपको ऐसे रिकॉल करना, फिर आपने आपको पूरा हिबर्स प्रोसेस पहले निकालना है। हिबर्स प्रोसेस से अमोनिया बनाया, अमोनिया से मैंने अमोनिया के पानी पानी डाला, पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाला, फिर आगे का प्रोसेस पूरा याद, ठीक है। ये प्रोसेस आपको मतलब ऐसे आपको ये प्रोसेस से आप करोगे तो आपको ज़्यादा ज़्यादा चैप्टर्स एक साथ रिवाइज हो गया और ज़्यादा प्रोसेस आपको याद रहेगी, ठीक है, ऐसे कर लोगे। ये बहुत सही प्रोसेस है, ये मतलब आपको बहुत सारे झंझट से बचाएगा, मतलब एक ही साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें याद आ जाएगी, ठीक है, मतलब रिवाइज हो जाएगी आपकी बहुत सारी चीज़ें, और नहीं आएगा तो देख लो एक बार, ठीक है, ये चीज़ होगी। अभी देखते पॉइंट आगेगा आपको, ठीक है। ये जो 15 से 20 मिनट मैंने आपको बताया, ये 15 से 20 मिनट क्या मतलब टाइम में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना केमिस्ट्री का, तो आपको ये अचीव कब होगा, जब आप पूरा जो पीसी का पेपर है, ठीक है, पीसी और मैथ्स का पेपर, पीसी देना, ठीक है, खाली पीसी का पेपर, 90 मिनट का पेपर, आप वो पीसी का पेपर सॉल्व करोगे तो साथ में मतलब या प्रीवियस सॉल्व करोगे तो आपको ये अचीव हो जाएगा आराम से, ठीक है, मतलब बार बार आप सॉल्व करोगे तो आपका ये गोल अचीव हो जाएगा कि आप मतलब 20 मिनट से 25 मिनट्स में आपका पूरा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ एक चीज़ याद रखना, ठीक है, क्या क्या है वो एक चीज़ का, मतलब कितने लोगों का क्या होता है कि भाई पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है, मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया आराम से, पीसी का पेपर मैथ्स भी कर लिया पर सॉल्व किया, ठीक है, पीसीएम पर सॉल्व किया, एनसीईआरटी कोई कुछ भी जेई का पेपर सॉल्व किया, या क्या बोलते हैं एमएच किसी की सॉल्व किया, तो क्या करते हैं उसको बाद में एनालाइज नहीं करते, ठीक है, ये चीज़ मेजर होती है भाई, हाँ हो गया ना बस आराम से अच्छे मार्क्स का शो कर, हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान है आपका, क्योंकि वो जो प्रीवियस की एमएच की सीके की खास बात कर रहे हैं कि एमएच की सीके में बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही उठा उठा के दिए जाते हैं भाई, ये क्वेश्चन आ गया वापस, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन होते हैं वो उसमें से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मतलब उससे रिलेटेड सेम तो नहीं आते, बट उससे रिलेटेड बहुत सारे आते हैं, ठीक है, सेम भी आते हैं, ऐसे नहीं कि सेम नहीं आएगी, सेम भी आते हैं और उससे रिलेटेड भी आते हैं। तो वो चीज़ याद रखना कि मतलब आपको प्रीवियस ईयर करना है, पेपर सॉल्व किया, पेपर सॉल्व करने के बाद आपको पूरा रीचेक करना है, केमिस्ट्री में थियोरी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब थियोरी बहुत ज़्यादा है, तो रीचेक किया मैंने, ठीक है, रीचेक किया, मेरे को थियोरी दिखा गया, मेरे ये थियोरी में पॉइंट याद नहीं था और ना कभी मैंने ये थियोरी देखा, लिख लो स्नैपशॉट में, लिख लो कौन से चैप्टर का वो है, स्नैपशॉट में लिख लो, बहुत काम आएगा, ठीक है। और जब भी आप रिवाइज करोगे तो वो आपको भाई आँख में आएगा कि मतलब हाँ भाई ये लाइन था जो पिछले पहले साल कुछ पहले आया था तो अभी पढ़ लूँ तो एग्जाम में आए तो मैं एक सेफ साइड पर रहूँ, समझे। और अगर न्यूमेरिकल हो, ठीक है, यू तो हो गए कि अगर थियोरी हो तो मैं लिख दूँ, ठीक है, और अगर अगर ऐसे कोई चैप्टर समझो मतलब ऐसे कोई चैप्टर हो के मतलब थियोरी में को आ नहीं रहे हो तो वो चैप्टर आपको नोट डाउन करने, मेरे को आज ये चैप्टर पढ़ने रिवाइज करना है और वो चैप्टर को पूरा रिवाइज करना आपको, ठीक है, ताकि मतलब वो आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए एकदम, मतलब उसमें से अगर आगे कोई क्वेश्चन आए तो मेरा वो नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एंश्योर करना है। दूसरी चीज़ अगर उसमें आपको न्यूमेरिकल चाहिए, न्यूमेरिकल्स ऐसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको अगर समझो न्यूमेरिकल्स आपके रॉन्ग है, न्यूमेरिकल्स पहले देख लो कैसे क्या सॉल्व किया, या कोई भी एक ऐप है जिसमें मतलब डालोगे क्वेश्चन तो उसका बड़ा सोल्यूशन दिखा, सोल्यूशन देखो, ठीक है, सोल्यूशन देखने के बाद थोड़ी टाइम 2-3 मिनट रह जाओ, फिर उसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व किया और वह भी आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा वो देखो, और अगर आपने जो एग्जाम एग्जाम में गलती की वो देखो, तो आपसे आपको एक मतलब एग्जाम टाइम पे एमएच के सीके में क्लियर विजन मिलेगा भाई कि आपको क्या करना है एग्जाम टाइम पे, ठीक है, उस कैपे के न्यूमेरिकल्स में, और मेजरली वही क्या क्या आते हैं, ये थोड़ा समझ लो कि मतलब जो प्रीवियस है ना वो मैटर करता है भाई, अगर आपने अच्छे से किया हुआ तो आपको वही क्वेश्चन आप ही आएगी। अभी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको ही बताया, एनालाइज करो प्रीवियस कोई भी और जो भी आप पेपर दे रहे हो सॉल्विंग कर रहे हो, और लास्ट पॉइंट मल्टीपल रिविजन करो, ठीक है, ये पॉइंट मतलब मेजर है, मतलब क्योंकि जितना आप रिविजन करोगे ना उतना आपको मतलब दिमाग में बैठा रहेगा कि मतलब हाँ भाई ये ऐसे था, और क्विक मतलब आपको जल्दी याद आएगा कि भाई मैंने रिवाइज किया तो मेरे को याद आएगा, ये मतलब आएगा इसी से होता है, आपने इतनी बार रिवाइज किया होगा तो आपको याद आएगा कि मतलब अगर आपने एक बार रिवाइज किया तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, ये याद रखना, एक बार एक या दो बार रिवाइज करने से मतलब अगर आपका आइंस्टाइन जैसा दिमाग है, हाँ समझो मतलब, तो आपको कुछ आ सकता है पर बिना रिवाइज किए गारंटी कुछ नहीं आएगा, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो भाई, 5 से 6 बार तो रिवाइज करो कम से कम, तो जाके कुछ आपको दिमाग में आएगा, और वो स्नैपशॉट पढ़ोगा, आपने स्नैपशॉट अच्छे से बनाया तो उसको पढ़े मतलब पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, जितनी बार हो एक बार आज पढ़ा फिर अगले हफ्ते वापस पढ़ो, ठीक है, ऐसे करो, अगर जो भी अगर हम जो मैंने आज आज मेरा आज मैं सब्चर हुआ खत्म रेडी करके जो भी हुआ एग्जाम एग्जाम पढ़ के आज पढ़ा तो आपको ऐसा कुछ होना चाहिए, मतलब संडे को वापस पढ़ा मैंने आज एक हफ्ते में जितना पढ़ा संडे को मैंने वापस पढ़ा, अगर मैंने आज पढ़ा जो चैप्टर वो रात को वापस मैंने रिवाइज किया, ऐसी चीज़ करोगे तो आपको गारंटी बेनिफिट होगा, ठीक है। और ये आज के लिए कुछ टिप्स थी मेरे तरफ से, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वीडियो बड़ा लंबा हो चुका है तो
सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू सून और थैंक्स फॉर वॉचिंग।